हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया, और ब्लॉग स्टार्ट कर होने के साथ साथ सुबह की शुरुआत भी मैंने कर दी है। तो झाड़ू पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद आ गया था मेरी जो दीदी की लड़की है, उस बेटी है ना शिवान से, उसका कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। तो मैंने थोड़ी देर उससे बात करी, और ये बटर खा रही है, मुझसे कह रही है कि मैं वैसलीन खा रही हूँ। मुझे चिढ़ाने पर लगी थी, फिर मैंने बोला क्यों खा रहे हो, तो बोल रही उल्लू बनाया मैंने आपको मौसी, मैंने आपको उल्लू बनाया बोल दी थी। तो थोड़ी देर मैंने इससे बात की, इसको बधाई दी, और इसने भी मुझे बधाई दी। और उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, आलू मैंने काट दिए यहाँ पे, बड़े बने थे थोड़े से बड़े बनाए, और यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखो आलू आलू काट के आलू की पकौड़ी बनाऊंगी, और बनाऊंगी बड़े और पूरी। ठीक है, फटाफट बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से। उसके बाद बन रही है पूरियाँ, और पूरियाँ बनने के बाद बनाऊंगी बड़े। दोस्तों मैं अभी बड़े बना रही हूँ, ये थोड़ा गीला हो गया, बट कोई बात नहीं, करना है डाल दूँगी। उसके बाद मैंने भगवान जी के लिए थाली रेडी कर दी थी, उसमें पूरी पकौड़े और बड़े रखे हैं। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, फिर हम लोग भी खाएंगे। तो अब मैं बना रही हूँ धनिया मिर्च और अदरक की चटनी, ये मैंने इसमें सब रख दिया है, थोड़ा सा नमक मिला के पीस दूंगी इसको। तैयार है चटनी, देखिए दोस्तों। हरी हरी चटनी खाने के बाद, मतलब सॉरी बनाने के बाद, मैंने किया नाश्ता, जो कि यहाँ पे मैं ले आई हूँ। और चटनी बहुत टेस्टी हो रही थी, मैंने इसमें हल्के से मटर भी मिला दिए थे, तो बहुत टेस्टी हो रही थी। एंड उसके बाद मैं खा रही हूँ बड़े, ये देखो पकौड़े के साथ भी अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो फटाफट मैंने नाश्ता करा अपना, और दोस्तों मेरी सास हमारे बना रही थी खीर स्पेशल, इस तरह कैसा हो रहा है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ छत में, और आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे का मौसम, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है आज, हवा चल रही है और कोहरा लग गया फिर से, जबकि आज भूति का त्यौहार, आपको पता है मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति की आप सबको मेरे पूरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आज घूमते बनाने हैं, तो दिन में धूप होती तो छत में बैठ के बनाते, बट है धूप है नहीं तो नीचे ही बनाना पड़ेगा। और बाकी पहले से मेरी मम्मी हमें तत्वाणी बोलते हैं ना, जैसे आज त्यौहार है तो पहले मतलब कि कल जो था उसको तत्वाणी बोलते हैं। तो तत्वाणी के दिन सुबह 4 बजे उठ के हम सबको नहा देती थी, वो भी गर्म पानी से, चड़कन पानी से नहाते हैं ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही चड़कन पानी से नहाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना चाहिए, उसे बोलते हैं तत्वाणी। एंड तो सब चीज़ें याद आ रही मुझे। बाकी आज दिन में मैंने सुबह का नाश्ता वास्ता कर लिया है, अभी दिन में बताएंगे घूमते, और फिर आप लोग यहाँ शेयर करूँगी। ठीक है, धूप तो है नहीं वरना छत में बैठ के और भी मज़ा आता, पर जो भी है करते हैं। ठीक है, मिलते होंगे। तो दोस्तों लल्ली भी हमारे साथ आपको बधाई देना चाहती है आज मकर संक्रांति की। ठीक है, तो वो अपने स्टाइल में बोलेगी। लल्ली बोलो, काले कौवा बोलो, काले कौवा काले बोलो, जी है मेरे पास, अभी नीचे से लाऊंगी फिर बोलो। काले काले कुआ, काले काले भुगुती माला, खाले खाले हैप्पी हैप्पी भुगुतिया, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के दो बोलो। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों दे दिए लली ने भी बधाई आप सबको, देखा आपने, और छोटी वाली भी उधर खड़ी है। और तो ठीक है, अभी मिलती हूँ अभी आप लोगों से, बाय कर दो। दोस्तों ये देखो जो लल्ली की मम्मी स्वेटर बुन रही थी, ये कितना सुंदर डिजाइन इन्होंने निकाल रखा है, मतलब इन्होंने नहीं बुनाया, ये तो उनकी बुआ ने बुनाया है। हेयर बैंड वगैरह 20 रुपए के दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज ले लो लल्ली की मम्मी, कुछ कुछ ले लो, दोनों पे एक कलर से लगेंगे कि अलग अलग, देखो है देखो अलग अलग, देखो दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं कान के, पन्नी तो हट जाती है, पन्नी खाओ तो ज्यादा, देखो निकालो में देखो भाई, फिर तो घुपते बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला, थोड़ा सा दूध डाला, और डाला थोड़ा सा
और पता नहीं क्या डाला मुझे, सूजी मिलाई थोड़ी, वो मिला के अच्छे से इसको मतना पड़ता है, तो ये मैंने कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बनाई गोहत की दाल, दिन में गोहत की दाल खाई हमने, बहुत टेस्टी हुई। तो जब तक दाल पक रही है तब तक यहाँ पर आटा तो गुन चुका था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले घुकते ही बना लिए जाएँ, खाना खाने से पहले ही हमने बना लिए थे। तो सासू माँ और मैंने मिलकर बना लिए हैं घुकते और खजूर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले खजूर, उसके बाद फिर घुकते बनाएंगे। तो यहाँ पर इनको ऐसे ऐसे, आपको पता ही है कि पहले इनको इस तरीके से बेलना पड़ता है, उसके बाद काटना पड़ता है। तो ये खजूर की शेप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, वैसे ज़्यादातर यही वाला मतलब इसी तरीके से बनाते हैं पहाड़ों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो बनाते हैं, जैसे कि तलवार, अनार, ढाल, ये इसको चक्र बोलते हैं, और ये है दो डमरू। गीला हो गया था बट सही है, सॉफ्ट तो बने हैं। और ये हैं हमारे घुकते, ये हैं खजूर, और ये हैं जो ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक बनाने होते हैं ना पांच चीज़ें, ये ढाल, अनार, ये चक्र बोलते हैं जिसको, घुरुड़ी बोलते हैं, एंड तलवार, एक चीज़ और बनाया था कहाँ गया, डमरू। ठीक है, तो पाँच चीज़ बना के दो दो। तो गाइस आज की वीडियो में ये मैं एंड करती हूँ, मुझे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और फिर से आपको एक बार गणपति त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, और उत्तराखंड लोक पर्व बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग हंसी खुशी रहो। और काले कौवा काले, विभूति माला खाले, और ले कौवा बड़ निके दूजा सुना घड़, पहले से ऐसी कहावतें होती थी, मतलब आई लक उन्हीं। तो मैं मतलब बनारसी पाँच चीज़, तलवार, ढाल, और अनार, और डमरू, और एक और था क्या था, अनार के दाने, अनार के फूल, ये बनाए थे मैंने भी, सब चीज़ दो दो, तो ये बनता है इसलिए मैंने बना लिया था। बाकी अभी मैं ये तल रही हूँ मूर्ति, उनको तलते तलते मेरे को एक घंटा हो चुका है दोस्तों, और अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम लगता था उन्हें, तो मुझे काफ़ी थकान भी लग चुकी है सुबह से। तो मैं आपको मिलूँगी आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं खा रखिएगा और मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। Thank you so much for watching. Bye.